फाइलम आर्थ्रोपोडा, पहले ही लाइन में क्वेश्चन बनता है, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, पोड का मतलब होता है लिम्फ, तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इज द आइडेंटिफाइड करेक्टर्स ऑफ द आर्थ्रोपोड, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम है और लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा, इंसेक्ट सबसे ज्यादा हैं, तो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया विच इंक्लूड द इंसेक्ट, ओवर 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर द आर्थ्रोपोड्स, तो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया है विच इंक्लूड द इंसेक्ट, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स आर फाउंड इन वॉटर, land, sea, in plants and animal, they are colonial, gregarious, so the parental care. यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा कि आर्थ्रोपोड जो है पानी में मिलते हैं, लैंड पर मिलते हैं, सी में मिलते हैं, इन प्लांट एनिमल दे आर कॉलोनियल होते हैं बेटा, ग्रेगेरियस होते हैं और पेरेंटल केयर इनके अंदर मिलती है, बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ये कॉमन वर्ड है हम कि अब जो एनलिडा में करेक्टर्स थे ना बेटा वही करेक्टर्स आगे जाएंगे, बायलेटरल सिमेट्री मतलब कोडेटा तक, ह्यूमन बींग्स तक सब में बायलेटरल सिमेट्री ही रहेगी, क्लियर है क्या बच्चों। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, तीन जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीजो, एंडो, ये भी फिक्स करेक्टर है, एक्टो, मीजो और एंडो। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ओवरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट है, आर्थ्रोपोडा हैव द वेरियस शेप, एक्सटर्नल सेगमेंटेड बॉडी होती है, अभी बताया था मैंने आपको हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, ये इसके पार्ट होते हैं, हमारी भी तो बॉडी सेगमेंटेड है, हमारी भी हेड है, नेक है, थोरेक्स है, एब्डोमन है और टेल है, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। एनलिडा की बॉडी सेगमेंटेड है, आर्थ्रोपोडा की बॉडी सेगमेंटेड है और ह्यूमन बींग्स की बॉडी या मैमल्स की बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, क्लियर है बच्चों। बॉडी इज मोस्टली डिवाइडेड इनटू द थ्री रीजन, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन। इंसेक्ट में हेड होता है, सेकंड थोरेक्स होता है और एब्डोमिनल थर्ड होता है। दे हैव ज्वाइंट अपेंडेजेज, आर्थ्रो मतलब ज्वाइंट है, पोडा मतलब अपेंडेजेज है। द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय द काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये क्वेश्चन आता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन द नेचर, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन द नेचर, ऑप्शंस आर वाटर, सेलुलोज, काइटिन और प्रोटीन। आंसर इसका सेलुलोज है, लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन द किंगडम एनिमेलिया, तो फिर आंसर जाएगा काइटिन। और क्वेश्चन आता है सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन द नेचर, सेकंड लिखा है, तब भी आंसर जाएगा आपका काइटिन, क्योंकि फंगस की जो सेल वॉल है वो भी काइटिन की बनी हुई होती है। और एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन द नेचर, बताइए जी। वाटर, H2O, वेरी गुड, वाटर, सबसे ज्यादा वाटर ही मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन, अच्छा काइटिन प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है बेटा, काइटिन इज द पॉलीसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं, हम तीन तीन एन के पास चले गए, प्रोटीन काइटिन प्रोटीन काइटिन, ये हमारे ब्रेन के अंदर आया है। यदि ये प्रोटीन होता तो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं था कि आपसे क्वेश्चन पूछता, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कुछ न कुछ राज छिपा रहता है, इस चीज का आप ध्यान रखना, हमेशा अच्छे बच्चों के इजी क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, तब क्वेश्चन उनके राइट हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? तो काइटिन जो है वो पॉलीसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो द बॉडी इज द आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय द काइटिनस एक्सोस्केलेटन, हेड इज
डिस्टिंक्ट हाई डिग्री ऑफ द सिविलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन सच ए सिंपल आई नंबर वन, कंपाउंड आई नंबर टू, एंटीनी नंबर तीन, स्टेटोसिस नंबर चार, और स्टेटोसिस जो है वो बैलेंस ऑर्गन है, और यही नीट का क्वेश्चन है। आई रिपीट अगेन दैट कि हेड इज डिस्टिंक्ट हाई डिग्री ऑफ द सिफिलाइजेशन। कॉकरोच देखा होगा आपने, कॉकरोच का हेड भी देखा होगा, ठीक है ना, और कंसिस्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स हैं, तो सिंपल आई हैं, कंपाउंड आई हैं, एंटीनी, एंटीनी जानते हो आप, कॉकरोच का दो एंटीना निकले होते ना इससे, फाइबर फाइबर, कॉकरोच देखा आपने, हाँ, वो सेंसरी ऑर्गन है, और इसके अंदर जो स्टेटोसिस्ट होता है वो स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। क्लियर है सब बच्चों को? चलिए, कंपाउंड आई, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर, कॉकरोच भी हमारे सिलेबस में है, थोड़ा बहुत प्रीलिमिनरी आइडिया हम उसके बारे में लेते हैं। कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ द मेनी स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एज द ओमिटीडिया हैविंग द लेंस एंड कैपेबल ऑफ द फॉर्मिंग इमेज, जिसे कि अपन मोजेक विजन बोलते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है कि कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एज द ओमिटीडिया ईच हैविंग अ लेंस एंड कैपेबल ऑफ द फॉर्मिंग इमेज मोजेक विजन। बॉडी कैविटी अराउंड द विसरा कंटेन द ब्लड एंड कॉल्ड एज द हीमोसील। देखिए बेटा, जो ब्लड होता है इंसेक्ट का वो कौन से कलर का होता है? कलरलेस। जो इंसेक्ट का ब्लड है वो कलरलेस होता है। इनके अंदर जो फ्लूड भरा हुआ होता है उसे अपन हीमोलिम्फ बोलते हैं। इनके अंदर जो कैविटी होती है उसे अपन हीमोसील कैविटी बोलते हैं। इनके अंदर जो सिलोम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोसिलोम बोलते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दे कंटेन द ब्लड और हीमोलिम्फ। ये स्टेटमेंट सब बच्चों को क्लियर हुआ क्या? आर्थ तो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल नीट में यहां से क्वेश्चन आता है 101%। इसलिए एनलीडा, आर्थ बड़ा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से 101% जो है वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो बॉडी कैविटी अराउंड द विसरा, जो विसरल है यहाँ पर, कंटेन द ब्लड एंड कॉल्ड एज द हीमोसील। हीमोसील जिसमें प्रेजेंट है बेटा, इसके अंदर ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इट मीन्स दैट ब्लड जो का जो फ्लो है वो कैविटीज के अंदर होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पर कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब आप जानते हो, इसके अंदर माउथ भी होता है और इसके अंदर एनस भी होता है। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, वेरी गुड। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे बीच बीच में, वो इसीलिए पूछे जाते हैं कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने पहले ही बताया आपको कि हमको थोरोली पढ़ना है, कंप्लीट बायोलॉजी या कंप्लीट फिजिक्स या कंप्लीट जो केमिस्ट्री हमारी, उसकी हमको स्टडी करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे को एक चैप्टर में से नहीं आता है बेटा। क्वेश्चन जो है ओवरऑल आता है, और कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारे आईक्यू बेस्ड ठीक होते हैं। 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। सिर्फ आई का प्रेजेंस ऑफ द माइंड वहाँ पर क्या काम करता है, उसी के बिहा पर आपको उनको करेक्ट करना है। नहीं रे क्या? चलिए, तो रेस्पायरेशन इज द थ्रू द स्पेशल स्ट्रक्चर सच एज, जैसे गिल्स हैं, एग्जाम्पल प्रॉन है यहाँ पर, ट्रेकियल सिस्टम है, एग्जाम्पल इसमें इंसेक्ट है, बुक लंग्स है, एग्जाम्पल स्कॉर्पियन है, बुक गिल्स है, एग्जाम्पल किंग क्रेब है, ट्रेकी कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द सेल। तो यहाँ पर इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि रेस्पायरेशन इज द थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर सच एज द गिल्स। तो गिल्स यहाँ पर डेवलप हुए, जैसे एग्जाम्पल प्रॉन है, प्रॉन को अपन पेलीमोन भी बोलते हैं हिंदी में, इसको झींगा मछली भी कहते हैं, सी कोस्ट वाले रीजन में इसको फूड के रूप में भी लोग यूज करते हैं। रेस्पायरेशन यहाँ पर ट्रेकियल सिस्टम है इंसेक्ट के अंदर, बुक लंग्स हैं, बुक लंग्स स्कॉर्पियन में, ये नीट का क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है वो आपके बुक लंग्स क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि बुक के शेप के होते हैं,
वो गिल्स भी होते हैं किंग क्रैब के अंदर, किंग क्रैब को हिंदी में साधु केकड़ा बोलते हैं, ट्रेकी कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द सेल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ओपन टाइप का है, ब्लड फ्लो इन द हीमोसील इंस्टेड ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड इज द यूजुअली कलरलेस, ये क्वेश्चन नीट का है, बहुत सारे बच्चे उसमें अलग अलग कलर दे देते हैं, वो वाइट जैसे कुणाल ने बताया था, कोई येलोइश, कोई ब्लू, कोई रेड, कलरलेस, तो आप कौन सा लगाना है, कलरलेस। क्लियर है बच्चों? इसे हीमोलिम्फ कहते हैं और इंसेक्ट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, एक्चुअली में आप जानते हैं कि जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, अपन नॉर्मल एनिमल की बात करें, और उसमें आयरन होता है बेटा। यहाँ पर कुछ एनिमल के अंदर कॉपर प्रेजेंट है, तो जहाँ पर कॉपर प्रेजेंट होता है उसे हम पिगमेंट को हीमोसाइनिन बोलते हैं, और हीमोसाइनिन प्रॉन के अंदर, और हीमोसाइनिन ये ब्लू कलर देता है। तो मोलस्का के अंदर भी यही होता है। हर्ड डोर्सल है, वन टू मैनी चैम्बर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एक्सेटरी ऑर्गन्स एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड है, जैसे एग्जाम्पल क्रस्टेशिया, ओपनिंग डायरेक्टली टू द एक्सटेरियर, एक्सटीरियर मतलब बॉडी के बाहर खुलता है। कॉक्सल ग्लैंड होती है आर्किनेट्स के अंदर। मेलपिनियन ट्यूब्यूल्स होते हैं इंसेक्ट के अंदर जो कि गट में खुलती हैं। ये एक्सेटरी ऑर्गन्स हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। एक्सेटरी मैटर यहाँ पर अमोनिया होता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर, और यूरिक एसिड होता है लैंड एनिमल्स के अंदर। जो कॉकरोच है वो बीट निकाल देता है आपके किचन में, बाथरूम में, कहीं पर भी, तो उसके अंदर यूरिक एसिड होता है। तो इंसेक्ट, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट आर द यूरिकोटेलिक एनिमल। जब पानी में होते हैं बेटा ये, तो अमोनिया को एक्सेप्ट करते हैं और अमोनोटेलिक होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद करने ब्रेन में। नर्वस सिस्टम यहाँ पर वेल डेवलप होता है, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, डबल होता है। अच्छा, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये कॉर्डेड नॉन कॉर्डेड का एक डिस्टिंग करेक्टरिस्टिक जो जाता है, जो नॉन कॉर्डेड्स हैं उनके अंदर जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड में होती है। हमारी नर्व कॉर्ड कहाँ पर है, डोर्सल साइड में। हमारे नर्व कॉर्ड सिंगल है, इनकी नर्व कॉर्ड डबल होती है। इनकी नर्व कॉर्ड गैंग्लियोनेटेड है, हमारे नर्व कॉर्ड नॉन गैंग्लियोनेटेड है, ठीक है ना। तो नर्व रिंग ब्रेन का काम करती है, डबल होती है, सॉलिड होती है, हमारी होलो है। मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है बीइंग द पेयर ऑफ द गैंग्लिया पर सेगमेंट और लेस। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नर्वस सिस्टम ऑफ द आर्थ्रोपोडा या नॉन कॉर्डेड, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है इसके अंदर जो ब्रेन का काम करती है, डबल होती हैं, सॉलिड होती हैं, और वेंट्रल मिड वेंट्रल नर्व हैं कॉर्ड बियरिंग अ पेयर ऑफ द गैंग्लिया पर सेगमेंट और लेस। सेक्स आर सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है बेटा, मेल और फीमेल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच को ऐसे देखने से पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। वहाँ पर एक एनल सिराई और एनल स्टाइल, यदि आपने कॉकरोच का फोटोग्राफ देखा हो बुक के अंदर, तो मेल के अंदर एनल स्टाइल होते हैं, फीमेल में नहीं होते, एनल सिराई दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। तो मेल और फीमेल इंसेक्ट में भी सेक्सुअल डिस्टिंग्यूश पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बट फ्यू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव द एक्सटर्नल। मोस्टली ओवीपेरस हैं, मतलब अंडे देते हैं, कुछ बच्चे भी देते हैं जैसे स्कॉर्पियन है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब आप समझिए, डायरेक्ट का मतलब नो लार्वा प्रेजेंट, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा प्रेजेंट। एनिमल्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा आर मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंटर ऑफ द टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट अमंग द इन्वर्टिब्रेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्यूटिकल अपेंडेजेज एंड विंग्स। तो पंख भी मिलते हैं, अपेंडेजेज भी मिलते हैं कॉकरोच, बार बार हम इसलिए नाम ले रहे हैं कि उसके अंदर सारे ही जो आर्थ्रोपोडा करेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट है। कॉकरोच उड़ते हुए भी देखा होगा आपने, उसमें जो विंग्स हैं टू पेयर होते हैं, उड़ते भी हैं कॉकरोच। आप पीछे पड़ जाओ उसके जोर से भागोगे तो उड़ के ऊपर बैठ जाएगा पर्दे के ऊपर। और एक
है ना, प्रोटेक्टिव जो है विंग्स होते हैं और एक मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं। तो बड़ा गंदा है, मतलब नाली वाले से निकल निकला करके आते हैं, घर के अंदर घूम जाते हैं, तो काफ़ी सारे इंसेक्ट विंसेट फैला देते हैं ये। तो यहाँ क्यूटिकल है, अपेंडेजेज हैं और विंग्स हैं। ये देखिए आप, पहला एग्जाम्पल है लॉकस्ट जो आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, दूसरा है बटरफ्लाई, तीसरा है स्कॉर्पियन और चौथा है प्रॉन। ये प्रॉन है, इसे ही अपन पेरीमोन या झींगा मछली कहते हैं। मैंने बताया था अभी सी कोस्ट वाले एरिया में इसको खाने के काम में भी लिया जाता है। स्कॉर्पियन भी खा जाते हैं, अब खाने वाले तो कुछ भी खा सकते हैं अपने यहाँ, ऐसी क्या बातें करें। तो ये बटरफ्लाई और ग्रास, ये सारे इंसेक्ट हैं। एग्जाम्पल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका जो है बेटा, ये हनी बी का नाम है। और हनी बी आप जानते ही हैं कि ये कितनी यूजफुल है, आयुर्वेदिक के अंदर तो बिना शहद के कोई काम ही नहीं होता, वहाँ पर हनी जो है वो यूज किया जाता है। देन बॉम्बेक्स मोराई, ये बॉम्बेक्स मोराई सिल्क वर्म है। लेसीफेरा लेका, ये लेक इंसेक्ट है। आप देखा होगा जो मैरिड फीमेल हैं वो चूड़े पहनती है ऐसे, जिसमें हीरे वीरे जड़े हुए होते हैं, लाख के चूड़े बोलते हैं उसको, तो वो इंसेक्ट का एक्सक्रेशन है। ये जो इंसेक्ट है हमारा लेसीफेरा लेका, जिसे लेक इंसेक्ट बोलते हैं। और ये सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग एरिया के अंदर इनकी रेयरिंग की जाती है, जैसे सरसों के खेत के पास में या अलग फ्लावर के खेत के पास में जो है वो हनी बीज की रेयरिंग की जाती है शहद के लिए, है ना। और पतंजलि, डाबर, अलग अलग ब्रांड के नाम से जो है मार्केट में आपको शहद मिलेगी। कहीं कहीं जो नेचुरल के छत्ता वरांडा के अंदर लगा हुआ था, बड़े जो पुराने मकान हैं या पेड़ के ऊपर, तो वो सब सोर्सेज हैं। वेक्टर के रूप में एनोफ्लीज है बेटा, एनोफ्लीज आप जानते हो, फीमेल एनोफ्लीज मलेरिया का पैरासाइट। क्यूलेक्स है, एडीज एजेप्टाई बहुत बड़ा खतरनाक है, एडीज एजेप्टाई, ये आजकल डेंगू चल रहा है ना, तो एडीज एजेप्टाई जो है वो डेंगू वायरस जो है उसका कैरियर है। चिकनगुनिया भी है, हाँ वो भी इससे होता है। ग्रेगेरियस पेस्ट है लॉकस्ट, ये लॉकस्ट है बेटा। लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं, ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, तुमने पढ़ा भी होगा बेटा। लिविंग फॉसिल जब जो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ है तब से लेकर के आज तक इवोल्यूशनरी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं, उसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल। और लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है ल्यूमुलस, जिसे किंग क्रेब कहते हैं, इसे हॉर्स शू क्रेब भी कहा जाता है। नीट के क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अदर हैं बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, स्पाइडर, साइक्लोप, सेंटीपीड, मिलीपीड, पेरीपेटस, क्रेफिश। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ क्रेफिश, तो ये क्रेफिश जो है वो फॉल्स फिश है, क्योंकि फिशेज तो कोडेट्स में आती हैं, क्लियर है ना बच्चों। एग्जाम्पल ऑफ सम अदर इंसेक्ट, जैसे पेडिकुलस बॉडी लॉस को बोलते हैं, जो हमारे जुए पड़ जाती है उसको लाउस को, एफिड्स प्लांट लॉस होते हैं, प्लांट में जो कीड़े लग जाते हैं, लेपिस्मा ये बुक लॉस है, इसे सिल्वर फिश कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, सिल्वर फिश भी फॉल्स फिश का एग्जाम्पल है, जिसे अपन लेपिस्मा कहा जाता है। टर्माइट वाइट आंट्स कहा जाता है। फीमेल एनोफिलीज स्प्रेड द मलेरिया, फीमेल क्यूलेक्स स्प्रेड द फिलेरियसिस, एडीज स्प्रेड द डेंगू चिकनगुनिया, पेरीपेटस इज द कनेक्ट लिंक बिटवीन द एनलिडा और आर्थ्रोपोडा, जो पेरीपेटस है ये एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्ट लिंक, इसमें अंदर दोनों के करेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है बच्चों।